हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्रिंस। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं अपने यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था और एक महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आपने वीडियो बनाना छोड़ क्यों दिया, आप एक्टिव रह ही नहीं पाते यूट्यूब पर। तो दोस्तों, ये बात सही है, मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ और आप लोग जानते होंगे कि फेसबुक पर मेरा एक्चुअल में काम फेसबुक पर रहता है और जो भी उनसे एक्सपीरियंस होता है वो चीजें मैं यूट्यूब पर शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। एक टॉपिक पर तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई अभी के टाइम पर फेसबुक पेज मोनेटाइज ही नहीं हो रहे, मतलब पूरी तरह से क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर दे रहे, कॉन्टेंट भी सही है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कॉन्टेंट भी नहीं आ रहा है, सारी प्रॉब्लम भी ठीक है, कुछ भी पॉलिसी इशू नहीं है, बट पेज जाता है रिव्यू में और वापस आ जाता है। ऐसे कर करके 4 बार 5 बार रिटर्न आ चुका है पेज, तो मोनेटाइज किस तरह से किया जाए? तो देखो, मैं सबसे पहले एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? आज के टाइम की जो ट्रिक है, अभी मेटा बहुत ज्यादा ही ध्यान दे रहा है इन चीजों पे, तो आपको ये चीज अलाउ करनी चाहिए और उसके बाद ही आपका पेज मोनेटाइज हो पाएगा। जिसका भी इस तरह के केसेस में है कि उनका पेज रिव्यू से वापस आ जाता है, मोनेटाइज नहीं होता और वापस आके रिजेक्ट भी नहीं होता, ये भी नहीं बोलते कि रिजेक्ट कर दिया, सीधे वो सेटअप का फिर से बटन आ जाता है, तो फिर से आप सेटअप करते हैं, फिर से रिव्यू में जाता है, फिर से वापस आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि जब भी आप रिव्यू में भेज रहे हैं पेज को, उससे पहले आपको 2-3 दिन तक पेज को अनपब्लिश रखना है, मतलब पेज को अनपब्लिश रख दो, छोड़ दो, उसके बाद आप रिव्यू में भेजिए, सेटअप का दोबारा ऑप्शन कीजिए। और अगर ये नहीं होता है तो ये पहला ट्रिक था, अगर इससे आपका नहीं सॉल्व हुआ तो दूसरा ट्रिक ये है कि आप पेज को कैटेगरी चेंज कीजिए, जो कैटेगरी आपकी पहले थी उसको गेमिंग में कर दीजिए, अगर गेमिंग में है तो ठीक है और अगर गेमिंग कैटेगरी नहीं है तो गेमिंग कैटेगरी करके और आप 4 घंटे लाइव स्ट्रीम कर दीजिए और लेवल अप कंप्लीट कर लीजिए। लेवल अप से क्या होगा कि आपका पेज स्टार और फैन सब्सक्रिप्शन से मोनेटाइज जाएगा, तो उससे क्या होगा कि आप ऑलरेडी 2 पेआउट भर चुके रहेंगे, 2 ऑलरेडी पे आउट भरे रहेंगे, तो जब आप सेटअप का बटन पर टैप करेंगे तो वो पूछेगा कि आप क्रिएट करना चाहते हैं या फिर पहले वाला अकाउंट ऐड करना चाहते हैं। इन स्ट्रीम के सेटअप पे आउट की बात कर रहा हूँ, इन स्ट्रीम के टाइम पर जब आपको पे आउट का भरने का ऑप्शन आएगा तो 2 ऑप्शन दिखेंगे, एग्जिट करने वाला और एक पहले से नया बनाने वाला, 2 ऑप्शन दिखेंगे, उनमें से आपको एग्जिट वाला करना है जो पहले से आपने स्टार में और फैन सब्सक्रिप्शन में भर दिया है, तो अब उसके बाद आपका ये रिजेक्ट नहीं होगा और आपका पेज पूरी तरह से मोनेटाइज हो जाएगा। सेटअप जैसे ही पेआउट आप भरेंगे तो रिव्यू में जाएगा और वो जल्दी से जल्दी आपका मोनेटाइज हो जाएगा। ये 2 ट्रिक बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही सही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे। अब ऐसा है कि मेरे चैनल पर वीडियो रोज तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ जल्दी से जल्दी मैं चाहूंगा कि वीडियो बनाऊं। इस चीज की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा लोगों का मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि आज घर आकर वीडियो शूट करना है सबसे पहले। और मैं फेसबुक पर बहुत ज्यादा बिजी रहा, काम इतना पड़ रहा है ना, मेरे को बहुत ज्यादा काम पड़ रहा है, तो इसलिए यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत, मतलब एक तरह से एडिटिंग करो, स्क्रिप्ट तैयार करो पूरी, मतलब किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, सारी चीजें एडिटिंग करने के बाद वीडियो को अपलोड करो, बहुत काम पड़ जाता है। और उसके साथ साथ हमें फेसबुक भी देखना होता है, घर के भी कुछ काम रहते हैं, कहीं जाना आना, बहुत सारी चीजें। तो मैं 1 महीने से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था इसलिए, बट मैं अब परमानेंट रहूंगा, एक तरह से परमानेंट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ बीच बीच में वीडियो जरूर डालूंगा। आप लोगों के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सब क्वेश्चन को कवर करना है और बारी बारी से एक एक वीडियो बनाना। एक क्वेश्चन और आया था भाई का कि पे आउट भरते टाइम वो W8 बैंक फॉर्म का जो है ना लेटेस्ट वीडियो बनाइए, जो अभी का जो फॉर्म अपलोड करना होता है उसके ऊपर। तो बहुत जल्द वो भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो पे आउट भरने के टाइम पर 4th नंबर पर जो ऑप्शन आता है वो भी कंप्लीट करूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को पसंद करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी कोई सवाल है आपके, कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे पूछिए, आकर DM कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।